राधे राधे। वृंदावन की पावन धरती पे आप सबका स्वागत है। वृंदावन में श्रद्धालु देश विदेश से प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है और दिल्ली से इसकी दूरी तकरीबन 120 किलोमीटर है। वृंदावन अपने पौराणिक मंदिरों के साथ साथ अपने जायकेदार खाने के लिए भी जग प्रसिद्ध है। चलिए आइए वृंदावन के जो जायकेदार खाने हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास ये एक मशहूर गब्बर सिंह कचौड़ी वाले हैं और ये काफ़ी फेमस शॉप है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इनके पास क्या क्या खाने के लिए और क्या इनकी स्पेशलिटी है। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। राहुल जी आपकी शॉप का नाम तो बहुत ज़बरदस्त है, गब्बर कचौड़ी। गब्बर सिंह कचौड़ी वाले। तो कैसे ख्याल आया गब्बर सिंह कचौड़ी वाला नाम रखने का? नाम है उनका जी। अच्छा जी, तो वो कौन है गब्बर सिंह जी? चाचा जी हैं। अच्छा, आपके चाचा जी हैं, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए आपकी स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे? ये प्रसाद बनता है जी, ठाकुर जी का। अच्छा। हाँ जी, बढ़िया एकदम। बेड़े, कचौड़ी, ढोकला, रायता, लस्सी, पेड़े होते हैं मीठे में। अच्छा, तो नाश्ते में क्या रहता है आपके यहाँ? बेड़े ही होती है, कचौड़ी होती है और ढोकला होता है। अच्छा। और तो रायता होता है साथ में, बढ़िया। तो बेड़ा ही मतलब बेदमी पूड़ी आप कह रहे हो? हाँ जी, दाल पूड़ी। अच्छा, तो इसके साथ आप क्या सर्व करते हो? आलू की सब्जी? आलू की सब्जी होती है, एक मिक्स सब्जी होती है सीताफल वाली। अच्छा जी। और कचौड़ी के साथ? कचौड़ी के साथ में भी वही होती है। अच्छा, और शाम में आप क्या रखते हो? शाम शाम को टिक्की होती है, पापड़ी चाट, समोसा, ढोकला। और कितने बजे तक क्या टाइम रहता है शाम वाला? जब 4 बजे से 9 बजे तक। 4 से 9 बजे। चलिए आइए यहाँ पे इनकी कचौड़ी और बेदमी ट्राई करते हैं। गब्बर सिंह कचौड़ी पे हमने मंगवाई है ये बेदमी पूड़ी जिसकी कीमत है 30 रुपये प्लेट। साथ में हमने मंगवाई है कचौड़ी, इसकी कीमत है 40 रुपये प्लेट। इसके साथ ये सर्व करते हैं हरी मिर्च और ये आलू का झोल और पेठे की सब्जी। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि गब्बर की कचौड़ी कितनी कड़क कचौड़ी है ये। मसालेदार सब्जी है, हींग का इसमें एक बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। और आप जब बांके बिहारी मंदिर की तरफ आएं, दर्शन करने से पहले या दर्शन करने के बाद गब्बर कचौड़ी पे आइए, यहाँ की ये बेदमी पूड़ी और कचौड़ी टेस्ट कीजिए। इवनिंग में ये टिक्की और दही भल्ले वगैरह रखते हैं, पर दिन में नाश्ते में कचौड़ी और बेदमी पूड़ी। तो आप आइए और इन्जॉय कीजिए। हाँ, साथ में इनकी लस्सी बहुत फेमस है, तो लस्सी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गब्बर कचौड़ी पे ये कुछ श्रद्धालु आए हैं, मुझे इन्होंने बताया कि ये बनारस से आए हैं। तो कैसी लगी कचौड़ी आपको? यहाँ का कचौड़ी एक नंबर की है। गब्बर कचौड़ी पे मेरी मुलाकात हुई है क्षितिज जी से। क्षितिज जी मुरादाबाद से आए हैं अपने दोस्तों के साथ। हाँ जी क्षितिज जी, बताइए कैसी लगी आपको कचौड़ी यहाँ की? अरे जी ऑसम है, ये सबसे फेमस और सबसे पुरानी दुकान है यहाँ की। अच्छा, बांके बिहारी वाली मंदिर में ये रोड पर ये एक अग्रवाल मिष्ठान शॉप है। ये शॉप जो है काफ़ी पुरानी शॉप है, तकरीबन 25 साल पुरानी शॉप है। और ये शॉप भी फेमस है अपनी कचौड़ी और बेदमी पूड़ी के लिए। देखिए ये कचौड़ी है इनकी और ये बेदमी पूड़ी। तो नाश्ते में यहाँ पे बेदमी पूड़ी, कचौड़ी और ढोकला लस्सी मिलते हैं। और शाम को 4 बजे के बाद जब मंदिर खुलते हैं तो उस समय चाट पकौड़ी और टिक्की वगैरह मिलती है। ये है अग्रवाल मिठाई वालों का रेट लिस्ट, तो ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ। ये है इवनिंग का स्नैक्स। इवनिंग में यहाँ पे शाम को 4:30-5 बजे के बाद जब बांके बिहारी मंदिर शाम को खुलता है श्रद्धालु के लिए, तो उस समय ये लोग टिक्की सर्व करते हैं छोलों के साथ, लस्सी रहती है और ये रहते हैं गोलगप्पे। इसके अलावा ये सर्व करते हैं खमन ढोकला। चलिए आइए यहाँ की टिक्की और इस ढोकले को टेस्ट करते हैं।
ये हमने अपने लिए टिक्की बोल दी है और प्राइस 60 रुपये है, और हमने अभी एक ही टिक्की अपने लिए बोली है, और साथ में हम टेस्ट करेंगे ये ढोकला। ये टिक्की अभी हमारी सिक रही है, ये पहले टिक्की को पूरा कुरकुरा करेंगे, उसमें डालेंगे छोले, फिर उसमें जाएगी मीठी चटनी और धनिया पुदीना की चटनी। इस टिक्की की खासियत ये, अगर आप ये देखिए, ये आलूओं को पूरा मैश करके नहीं बनाया गया, बल्कि उसको रफली मैश करके और थोड़ा सा उसको ग्रेट करके उन आलूओं को उसकी टिक्की बनाई गई। जनरली टिक्की जहाँ आपको मिलती है दिल्ली या कहीं और पे, वहाँ पे आलूओं को पूरा मैश किया जाता है और उसको स्टफिंग की जाती है, पर यहाँ पे आलूओं को ग्रेट किया हुआ है और ग्रेट किए हुए आलू को ही टिक्की बनाई गई है। तो ये एक थोड़ी सी अनोखी चीज़ है जो जनरली आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये भैया ने टिक्की हमारी निकाल ली है करारी करके, इसको भी ये काट रहे हैं, और इसमें इनका अपना सीक्रेट मसाला रहता है, जो भी रहता है इनका अपना मसाला, और इसमें डाले जाएंगे छोले। छोले बेसिकली ये मटर होते हैं, मटर वाले छोले, हरी चटनी, और ये अनार दाने की मीठी चटनी, साथ में थोड़ा सा दही डाल करके। ये लीजिए हमारी टिक्की तैयार है। चलिए आइए इस टिक्की को टेस्ट करते हैं। ये हमारी टिक्की आ गई है, चलिए आइए इस टिक्की को टेस्ट करते हैं और बताता हूँ कि ये जो टिक्की का टेस्ट है, ये जो और जगह टिक्की मिलती है उससे कैसे डिफरेंट है। ये एक लेते हैं बड़ा सा बाइट और चेक करते हैं कि क्या स्वाद है इसका। जो आलू को ग्रेट किया गया है ना, उसका जो फ्राई करने के बाद जो क्रिस्पीपन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया आ रहा है, एक अलग टेस्ट दे रहा है वो ग्रेट किया हुआ आलू। उस पर से जो इन्होंने चटनी डाली है, सिंपल सी मीठी चटनी है जिसमें अमचूर और अनारदाना डला हुआ है, और जो पुदीने का फ्लेवर आ रहा है हरी चटनी के अंदर, तो बहुत लाजवाब है। तो आप जब वृंदावन आए, आप अग्रवाल मिठाई भंडार पे आइए, ये बांके बिहारी वाले मंदिर की मेन रोड पे है, इनका आप यहाँ करके ये जरूर टिकट ट्राई कीजिएगा। चलिए इसके बाद और जगह एक्सप्लोर करते हैं वृंदावन की। बांके बिहारी मंदिर की मेन एंट्रेंस पे ये मुकेश शर्मा चाट और लस्सी वाले हैं, ये भी एक बहुत फेमस शॉप है जहाँ पे आप टिक्की, कचौड़ी, ढोकला, लस्सी ट्राई कर सकते हैं। तो आप यहाँ आइए और इनकी टिक्की और लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है मुकेश चाट वालों की रेट लिस्ट, ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ। आज जन्माष्टमी है तो आलू की टिक्की के साथ साथ ये कुट्टू के आटे की भी टिक्की रखी गई है, और इनकी सारी प्रिपरेशन देसी घी में रहती है। तो ये कुट्टू के आटे की है और ये आलू की टिक्की है। यहाँ पे टिक्की छोले के साथ सर्व की जाती है, और साथ में इनके जो फेमस है वो है ढोकला। ये भैया टिक्की लगा रहे हैं हमारी, ये नॉर्मल आलू की टिक्की है जो एक छोले के साथ सर्व करते हैं। इसमें भी सेम वही हरी चटनी, मीठी चटनी और साथ में दही जाती है। फ़र्क ये है क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो ये कुट्टू के आटे की है जो देसी घी में बनी है व्रतियों के लिए, और ये हम जैसे जो नॉन व्रती है। चलिए आइए टिक्की टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी टिक्की बन करके तैयार हो गई है। ये मुकेश चाट पे ये एमपी से आए हैं श्रीमान, ये भी जन्माष्टमी के लिए आए हैं यहाँ पे। कैसी लगी आपको टिक्की? बहुत बढ़िया, पसंद आई आपको? रिकमेंड करोगे और लोगों के लिए कि आएँ खाएँ? चलिए ठीक है सर, थैंक यू। चलिए आइए मुकेश चाट वालों की टिक्की ट्राई करते हैं।
भाई साहब ने तो बहुत रिकमेंडेशन दिया था कि बहुत बढ़िया है, चलो देखते कैसी है ये। टिक्की बहुत ही बढ़िया, जो इसमें मीठी चटनी आई है गुड़ की उसका एक अलग टेस्ट आ रहा है, और जो टिक्की है ये आप देखिए कितनी कुरकुरी सिकी हुई है। तो आप यहाँ आइए और यहाँ की टिक्की जरूर ट्राई कीजिए। इस समय हम आ गए हैं बदनाम चाट पे। बदनाम चाट फेमस है अपने चीले के लिए और कांजी वड़े के लिए। ये मूंग दाल का चीला है जिसमें वही आलू का मिक्सचर, पनीर, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी डाला जाता है और फिर इसको बटर से गार्निश करके खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया जाता है। पर जो इनकी अलग चीज़ है वो है ये कांजी वड़े। चलिए आइए ये कांजी वड़े ट्राई करते हैं। ये भैया ने कांजी वड़ा है मिक्स कर दिया है और ये दो वड़े आते, चार वड़े देते हैं ये प्लेट में। ये आ गया हमारा वड़ा। भैया इस वड़े में क्या क्या जाता है इसके अंदर कांजी वड़ा में? मसाले जाते हैं और मसाले हींग क्या मतलब अलग? ये हमारा ग्लास रेडी है कांजी वड़े का, इसमें हींग, राई, काला नमक जाता है और ये मूंग दाल के वड़े होते हैं। इसकी कीमत कितनी भैया? इस ग्लास की कीमत है 50 रुपये, जिसमें आपको चार वड़े दिए जाते हैं और कांजी दी जाती है। चलिए आइए इसको टेस्ट करते और बताते हैं क्या फ्लेवर है। कांजी वड़ा हमने ले लिया, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो हींग का टेस्ट आ रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त। मैंने काफ़ी जगह कांजी वड़ा खाया है और इसका कोई मुकाबला नहीं। बदनाम चाट पर आइए, कांजी वड़ा मस्त। मुकेश चाट वाला के साथ ही ये चटकारा चाट चौपाटी वाले हैं। ये शॉप फेमस है अपने चीले के लिए और बेदमी पूरी के लिए। और ये पहले चंद्रपाल चीले वाले के नाम से जानी जाती थी, पर अब इन्होंने नाम बदल दिया है तो ये पिछले 25 साल से चीला बना रहे हैं। चलिए आइए इनका चीला ट्राई करते हैं। चीले के अलावा यहाँ पे दही बल्ला, पापड़ी है और जो यहाँ का फेमस फूड है वो है नाश्ता, जो वो है आलू की टिक्की, साथ में छोले, कचौड़ी और बेदमी पूड़ी। ये देखिए गर्मा गर्म बेदमी पूड़ी निकाली जा रही है जिसे आलू के साथ और सीताफल की सब्जी के साथ सर्व किया जाएगा। चलिए आइए अब इनकी चीले को देखते हैं, इनकी चीले की प्रिपरेशन देखते हैं और चीले को ट्राई करते हैं। ये भैया हमारे लिए मूंग की दाल का चीला बना रहे हैं। ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसमें भैया ने मेरे को बताया कि आलू डलता है, मक्खन डलता है, पनीर डलता है और पाइनएप्पल, सॉरी अपना अनार डलता है, नट अनारदाना अनार डलता है, साथ में कुछ वेजिटेबल्स डालते हैं। ये अभी चीले पे हरा धनिया डाला है। कितना टाइम लग जाता है इसको बनने में? 5 मिनट में चीला तैयार हो जाएगा। आज जन्माष्टमी है तो रश बहुत ज़्यादा है इधर और गर्मी भी बहुत है। ये अब गार्निशिंग की जा रही है इसकी मक्खन से और ऊपर ये डलेगा पनीर। हो गया रेडी अब ये
रेडी हो गया ये, और ऊपर ये थोड़ा सा बीकानेरी भुजिया, और ये गार्निशिंग के लिए अनार और धनिया। लो जी, ये अपने आप में एक प्रॉपर मील है। एक खा लेंगे तो मुझे लगता नहीं उसके बाद आपको कुछ खाने की गुंजाइश रहेगी। भैया कह रहे कि बिल्कुल नहीं रहेगी, एक ही बहुत है, एक ही खा लोगे वही बहुत है। साथ में ये चटनी कौन सी रहती है भैया? हरी चटनी में क्या, धनिया पुदीना की? और ये गुड़ की चटनी? ये गुड़ की चटनी। लो जी, हमारा ये तैयार हो गया। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं। ये है जी हमारा चीला, चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं। चलिए आइए इस चीले को ट्राई करते हैं। ये चीले की हमने बाइट ले ली है, पहले ट्राई करते हैं इसको हरी चटनी के साथ और फिर ट्राई करेंगे इसे मीठी चटनी के साथ। हरी चटनी का बहुत ही बढ़िया एक फ्लेवर आ रहा है, इसमें हरी मिर्च डली हुई है तो उससे एक अलग सा स्पाइसीपन आ रहा है, और जो धनिया की और अनारदाना डला हुआ है उस चटनी से एक अलग सी खटास और एक तीखापन है, तो खाने में बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत तीखी नहीं है पर चटपटी है। ये मीठी चटनी गुड़ की चटनी है और इसमें थोड़ा फ्रूट और ड्राई फ्रूट डला हुआ है जो इसके टेस्ट को बहुत इन्हांस कर रहा है। इस चीले की कॉस्ट है 100 रुपये, देसी घी में ये बनाया जाता है। तो आप जब वृंदावन आएँ तो आप इस शॉप पे ज़रूर आइएगा, यहाँ का चीला ट्राई कीजिएगा। ये जो शॉप है बांके बिहारी मंदिर वाली रोड पे, जहाँ से बांके बिहारी मंदिर की एंट्री होती है वहाँ पे, तो आप आइए और यहाँ के खाने को इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। आपने क्या ऑर्डर किया भाई साहब? तो बेदनी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी आपने ऑर्डर की है। अच्छा, कैसा लगा आपको खाना? अच्छा, ये अच्छा पसंद आया, आपको रिकमेंड करोगे लोगों को? ठीक है जी, थैंक यू। बांके बिहारी मंदिर जब आप जाते हैं तो एक ये फूड आउटलेट है बांके बिहारी मंदिर वाली रोड पे ही, रॉयल भारती मिठाई के नाम से। ये भी बहुत फेमस शॉप है जहाँ पे आप कचौड़ी और बेदमी ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ इनका ढोकला बहुत फेमस है। चलिए आइए एक बार इस आउटलेट को अंदर से देखते हैं और इनके जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सौरभ है और आप इस समय खड़े हुए हैं रॉयल भारती मिठाई पे, और जो कि बांके बिहारी जी मंदिर के 3 नंबर गेट के पास में ही है। और टोटल हमारी 3 यूनिट्स हैं। एक हमारी जो सबसे पुरानी यूनिट है वो गोपीनाथ बाज़ार में है, उसके बाद जो दूसरी यूनिट है वो ये है, तो तीसरी यूनिट हमारी रॉयल भारती फूड्स है। हमारी जो 2 ब्रांचेज हैं सर, बेसिकली हमारी टोटल 4 ब्रांचेज हैं। एक हमारी गोपीनाथ बाजार में है वृंदावन में ही, एक ये है जहाँ पे आप अभी खड़े हुए हैं, तीसरी हमारी जो है हरिनिकुंज चौराहे पे है जी, और एक जो हमारा मेन यूनिट है जहाँ पे हमारी सारी मिठाइयाँ प्रिपेयर होती हैं वो गोपेश्वर रोड पे है, वहाँ पे हमारा फैक्ट्री आउटलेट भी है। ये आप आउटलेट नोट कर लीजिए, कॉन्टैक्ट लीजिए, जब नेक्स्ट टाइम आप आए आप इस आउटलेट पे आइएगा और आपको यहाँ पर बढ़िया खाना मिलेगा। स्पेशलिटी एज इन हमारे पास जो अगर आप भी आप देखें तो भारतीय मिठाई मिठाई के लिए फेमस है, उसके बाद हमारे पास रेस्टोरेंट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप सुबह के समय में नाश्ता आप ट्राई कर सकते हैं, बेड़ई है, कचौड़ियाँ हैं, जलेबी है, देसी घी है हमारा, और ढोकला है, लस्सी है, स्पेशल लस्सी हम केसर लस्सी देते हैं, और मसाला छाछ भी है बेवरेजेस में। इसके
उसके बाद मिठाइयाँ जितनी भी हैं हमारी सब देसी घी में हैं, और स्पेशल ऑर्डर से भी हम मिठाइयाँ पैक करते हैं। हमारे यहाँ से 56 भोग की दरिया भी लग के जाती है, बिहारी जी के मंदिर में भोग लगती है, तो गेस्ट 56 भोग की दलिया का भी हम बल्क ऑर्डर लेते हैं। इसके बाद कोई भी गेस्ट, जैसे कोई ग्रुप आ रहा है तो उसके लिए हम बल्क ऑर्डर लेते हैं, खाना पैक करते हैं, उसके लिए कैटरिंग का पूरा काम है हमारा। चलिए आइए, अब इनके जो दूसरे आउटलेट है वहाँ चलते हैं और वहाँ के एक बड़ी फूड को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू सौरभ जी। थैंक यू। हम इस समय आए हैं रॉयल भारती फूड्स पे, जो कि हरिणी कुंज चौराहे पे है। इनकी एक ब्रांच बांके बिहारी मंदिर पे है और ये दूसरी इनकी ब्रांच है। ये ब्रांच में आपको बेदनी पूड़ी और कचौड़ी के अलावा तमाम आइटम मिल जाएंगे। चलिए आइए अंदर देखते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या रेंज अवेलेबल है। ये हम रॉयल भारती में आ गए हैं। इनका एक आउटलेट बांके बिहारी मंदिर में है और ये उनका दूसरा आउटलेट है। ये फेमस है इनके स्नैक्स के लिए और मिठाइयों के लिए। तो ये है इनकी मिठाइयाँ, इसमें बर्फ़ी है, पेड़ा है और लड्डू है। सारी प्रिपरेशन देसी घी की है और जो इनकी स्पेशलिटी है वो मालपूड़ा है, जिसे मलाई पूरी कहा जाता है। इसका एक पीस 50 रुपये का और 480 रुपये के जी है। ये है इनकी बंगाली मिठाई की रेंज। इवनिंग में यहाँ पे थाली रहती है, तो ये थाली की प्रिपरेशन है जिसमें मिक्स वेज है, शाही पनीर है, दाल मखनी है, छोले हैं और राइस, रायता और स्वीट डिश है। साथ में ये लोग नान सर्व करते हैं और पाव भाजी और छोले भटूरे भी हैं इनके डिनर में। ये है इनका मेन्यू। ये मैं आपकी एक रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या क्या डिशेस अवेलेबल है और किस प्राइस रेंज में वो अवेलेबल है। ये लीजिए हमारी डीलक्स थाली आ गई है। इस थाली में तीन सब्जियां हैं, एक शाही पनीर है, एक दाल मखनी है, एक मिक्स वेज है, साथ में एक बटर रोटी है, एक लच्छा पराठा है, पुलाव है, एक स्वीट डिश है, रसगुल्ला, पापड़, सैलेड और रायता। इस डीलक्स थाली की जो कॉस्ट है वो 280 रुपये है। चलिए आइए इस डीलक्स थाली को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या इसका स्वाद है। पहले ट्राई करते हैं शाही पनीर से ही। अब ट्राई करते दाल मखनी। शाही पनीर और दाल मखनी बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। इसमें ना तो लहसुन डला है ना प्याज डला है और जो टेस्ट आया बहुत ही बढ़िया है। कहीं से भी ये 19 नहीं है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। जैसे आपको एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में टेस्ट मिलता है, सेम वही टेस्ट है। सो आप आइए रॉयल भारती में और यहाँ की डीलक्स थाली को टेस्ट कीजिए। आप अगर वृंदावन आ रहे हैं तो आप प्रेम मंदिर में, ये कैंटीन है युगल विहार उपहार ग्रह, यहाँ पे भी आइए। यहाँ पे भी बहुत स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। तो आप इस मंदिर में जब आप आएंगे तो इस कैंटीन में आइएगा और यहाँ के खाने को एंजॉय कीजिएगा। यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया होता है। ये है कैंटीन के अंदर का दृश्य। ये कैंटीन में हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया, इसकी कीमत 120 रुपये। चलिए आइए टेस्ट करके बताता हूँ कि ये स्वाद में कैसा है। मसाला डोसा बहुत सॉफ्ट है, जो इसके अंदर की स्टफिंग है वो बहुत बढ़िया है
और ये जो नारियल की चटनी है, ये इसका टेस्ट ही बहुत अलग है। ये ऐसा लग रहा है जैसे वाकई ही नारियल से बनी हुई है। और जो सांभर है उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसमें ना तो लहसुन डला है ना ही इसमें प्याज डला है, पर जो उसका स्वाद है बहुत ज़बरदस्त है। आप जब भी प्रेम मंदिर आएँ इस कैंटीन में ज़रूर आइएगा और यहाँ की जो खाने की चीज़ें डेलिकेसीज है उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस कैंटीन की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक है और फिर शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक है। राधे राधे, इस समय हम इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में हैं। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये बेसिकली एक कैफेटेरिया है। आइए अंदर चल के देखते हैं इसको। ये है अंदर का कैफेटेरिया, यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। समोसा है, घेवर है, ये देखिए मिठाइयाँ हैं यहाँ पे। ये सारा प्रिपरेशन देसी घी से है। आप यहाँ से अपने घर के लिए प्रसाद वगैरह पैक करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये स्वीट्स वगैरह भी पैक करा सकते हैं। मंदिर में ये दूसरा कैफेटेरिया है गोविंदा स्नैक्स के नाम से। चलिए आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये उसी कैफेटेरिया का एक्सटेंशन है। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन कैफेटेरिया है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा वेस्टर्न डिशेज हैं जैसे बर्गर हो गए, हॉट डॉग्स हो गए, चीज़ ब्रेड हो गई, सैंडविचेस हो गए। तो ये बेसिकली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट रहते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये स्नैक्स रखे गए हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह और ड्राई फ्रूट है यहाँ पे। ये केक और पेस्ट्रीज हैं। इस्कॉन टेम्पल पे ये कैफेटेरिया है। तो ये कैफेटेरिया जैसे मैंने पहले बताया एक जगह मिठाइयाँ हैं और दूसरी जगह स्नैक्स हैं। तो आप जब आएँ इस्कॉन टेम्पल तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये स्नैक्स। ये बर्गर है, इसमें चीज़ डला हुआ और वेज पैटी है। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं क्या स्वाद है इसका। बर्गर बहुत ही चीज़ी है और इसमें जो पैटी का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ की जो बेकरी है उसके जरूर एंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने वृंदावन के जो फेमस टेम्पल्स हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाया है। सो जब आपको टाइम मिले प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, योर होस्ट कपिल धवन इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।